तो फ्रेंड्स अगला प्रोडक्ट ये है मेरा, ये देखिए नेक्स्ट जो आइटम है वो मैंने ये लिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप सब लोग कैसे हो? तो फ्रेंड्स क्या हुआ, ग्रोसरी का कुछ आइटम खत्म हो गया था और आज संडे था। वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं थी, बट फिर भी हस्बैंड ने बोला कि चलो विशाल पास में है ना, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करके आते हैं, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो सामान दिला कर लाते हैं। वैसे की फ्रेंड भी आई हुई थी, उन्हें भी कुछ सामान लेना था, तो इस तरह हम लोग जो है विशाल गए। और विशाल में ना अभी जब ये लॉकडाउन था ना, मैं जब पहले विजिट करी ना, वहाँ कुछ भी नहीं था विशाल में। मतलब जाके उलझन होती थी, बट चूंकि फेस्टिव सीजन आ गए हैं, नवरात्र शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में, और दीपावली आने वाली है, तो जाहिर सी बात है शॉपिंग सबकी स्टार्ट हो गई है पहले से, और पहले से सब लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी शुरू कर दी, ऑलमोस्ट आप सबने भी शुरू कर दी होगी। बाकी जहां जहां भी जाते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ लेते ही रहेंगे। तो कुछ बहुत ज्यादा सामान नहीं लाई हूँ, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी ना, हम लोग करीब 6, 6:30, 7 बजे के टाइम गए थे करीब हम लोग, और क्राउड बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा क्राउड था फ्रेंड कि पूछो मत, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि वही ना फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और विशाल में लगी हुई है सेल। अभी 2 अक्टूबर के मौके पर भी बहुत बिग सेल थी, और अब कुछ ना कुछ ऑफर चल ही रहे हैं विशाल वगैरह में, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मैं मॉल तो सूट नहीं कर पाई। और वैसे भी विशाल की लोकेशन देखनी है या विशाल का ब्लॉग देखना है, आई बटन में दे दूंगी मेरा प्रीवियस ब्लॉग जो है विशाल पर। तो ना अच्छा अच्छा सामान था फ्रेंड, कितनी लालच लग रही थी, ये भी ले लो वो भी ले लो। हम लोगों तो आप लोग जानते हैं ना, लेडीजों को मतलब किचन रिलेटेड कुछ भी या घर का भी लेना ही होता है। कोई प्लान नहीं था ना, तो चीजों को मैंने देखा समझा, उनके प्राइस चेक किए, और फिर ये सोचा कि घर बैठकर लिस्ट बनाऊंगी और चेकआउट करूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या लेना है किचन का या डेकोरेशन संबंधी, मुझे क्या लेना है, तो वो सब चेक करूंगी, उसके बाद मैं ले जाऊंगी। तो जो थोड़ा बहुत खरीदा है वो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने ट्रे खरीदी है, ये कुछ इस तरह की है, और ये 199 की है। ये पीछे इसका रेट जो है मेंशन है, और इसके ऊपर ये देखिए लगा हुआ है ना, बाय वन गेट वन फ्री इसके ऊपर। तो ये एक ये ली और एक ये उसके साथ ये ली। तो फ्रेंड ये दो ट्रे हो गए मेरे पास, ये देखिए, ये बाय वन गेट वन में थी 199 में। तो ये इन ट्रे की खासियत ये है ना कि इनका जो ये आउटर है ना, इनमें कोई भी चीज स्लिप नहीं करती है, ये कवर देती है बगल में साइड में। ट्रे के बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो मैंने ये लिया है, फिर ना ये ड्रेनेज बने हुए हैं, ये देखिए ड्रेनेज जो बना हुआ है इसका, तो इसमें आप फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या फिर राइस वगैरह जो धोते हैं, कुछ भी धो सकते हैं सिंक में रख के। और ये ना इतना बढ़िया मटेरियल का है, बहुत ही अच्छा मटेरियल का है ये, मतलब बिल्कुल लुचुर पुचुर नहीं है। और इसके दोनों साइड जो हैंडल है ना ये पकड़ने वाले, ये बहुत अच्छे हैं। और हम लोग को किचन में ऐसे प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा काम लगते हैं ना फ्रेंड्स, कुछ भी धुलना है, सब्जी है या कुछ भी, तो फटाक से इसमें डाल दिया और इसका सारा पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो ये ओनली 59 का है, और इसके साथ एक मैंने और ले लिया है, मुझे इतने ज्यादा पसंद आए थे कि फिलहाल मैंने ये दो ले लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये है फ्रेंड, ये देख लीजिए, ये आपको दिख गया, ये 4 जार जो है इसमें है, ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, और ये इस तरह से हैं, ये देखिए ये कांच के बने हुए हैं, प्लास्टिक नहीं है ये, और ये कांच के हैं, छोटे छोटे से जार, जैसे आपको अपने स्पाइसेस रखने हैं, या फिर जैसे बहुत सारी चीजें किचन में होती है ना छोटी छोटी रखने के लिए, लौंग, काली मिर्च, जीरा वगैरह, जो कुछ भी आप चाहे उसमें रख सकते हैं। ये साइज है इनका, ये देख लीजिए, और ये जो है वो ये 270 रुपए के 4 जार हैं इसमें, और ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं किचन में रखने के बाद। मैं यूज करती थी, मेरे पास पहले 4 जार ऐसे थे, मैं एक पैक लेकर आई थी, क्योंकि पहले असल में क्या था, मेरे पास प्लास्टिक के जार थे, और प्लास्टिक बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो उन्हें मैं अपने किचन से थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ, हटा रही हूँ, और उसकी जगह इनको मैं रख रही हूँ। तो ये अगला प्रोडक्ट ये था मेरा फ्रेंड्स, जो मैंने खरीदा। तो फ्रेंड्स अगला प्रोडक्ट ये है मेरा, और ये काफी मतलब डिजाइन आ रही है आजकल मार्केट में। कब मैं क्या है, इसका व्हाइट कलर ढूंढ रही थी, व्हाइट या पिंक चाहिए था मुझे अपने किचन के लिए। इनमें जो है ना वो स्पून वगैरह, फोक वगैरह रखने के लिए मुझे चाहिए था, और स्पैचुला वगैरह, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज भी मुझे चाहिए था, एक साइज ये चाहिए था और एक साइज इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था।
बट नहीं था अभी उसमें बड़ा साइज, कोई बात नहीं है, और कलर भी नहीं मिला। बट भैया ने क्या बोला है, विशाल वाले भैया, आप इनको ले जाइए और आएगा तो आप कलर चेंज कर लीजिएगा, मे बी पॉसिबल बोले थे मंडे या ट्यूजडे में आ जाएगा। फिलहाल मैं लेकर आई हूँ, और इसका जो है वो रेट जो है वो 49 है। देखिए अगर कैमरा कैप्चर कर रहा है तो सही सही से। और एक नहीं लिया मैंने, दो ले लिए इस तरह के, मैंने दो ले लिए। और अगर मैं इनको नहीं भी चेंज करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो क्या करूँगी ना, ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में ना घर में जगह जगह से इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती ना। बस ये लेकर आई मैं दो, और जब मैं जाऊँगी नेक्स्ट टाइम ना तो इससे थोड़ा सा बड़े वाले लाऊंगी, और व्हाइट या पिंक लाऊंगी, क्योंकि मेरी किचन की थीम जो है वो पिंक है। मैगी खत्म हो गई थी फ्रेंड, तो ये मैं मैगी लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है ना तो बस मैगी हो जाती है। तो एक मैं मैगी लेकर आई हूँ, और एक ये लेकर आई हूँ मैं, ये छन्नी पूड़ियाँ निकालने वाली, और ये मुझे पड़ी है वहाँ पर 79 की। पहले मैं मार्केट से लाई थी ना तो ये मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी थी, बट वहाँ मुझे 79 की पड़ी। और ये देखिए ये इसका साइज है। अगला प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ, ये बोरो प्लस का दूध केसर बॉडी लोशन है। ये देखिए इस पर मेंशन किया हुआ है ना, और ये भी बाय वन गेट वन फ्री है। इतना बड़ा बड़ा सा पैक है, ये देखिए कितना बड़ा सा पैक है, और ये 290 का है ओनली। सर्दी आ रही है ना तो बॉडी लोशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ये लिया है मैंने फ्रेंड, ये देखिए ये सनसिल्क का शैम्पू है। ये दो लिए हैं मैंने, अब दो क्यों लिए, इनके जो है फ्रेग्रेंस जो है अलग थी तो ये मैंने लिए हैं। और ये सनसिल्क का जो शैम्पू है ये एलोवेरा का है, और ये वाला जो है वो व्हाइट लिली का है। और ये ना इतना बड़ी बोतल 195 ml है इसमें, तो ये केवल जो है 99 रुपीज की है। शैम्पू तो अक्सर इस्तेमाल ही करते रहते हैं, और मैंने सोचा कि सनसिल्क का है तो ये नई जो है वो इसको ट्राई करते हैं, तो इस तरह ये मैं दो लेकर आई हूँ 99 के। 99 का एक है, मतलब ये बाई वन गेट वन नहीं था, तो इस तरह ये मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड अगला मैं लेकर आई हूँ विम जेल, जिससे हम लोग बर्तन क्लीन करते हैं अपने। और ये असल में मेरे पास विम की शीशियां जो है ना वो कई सारी खाली हो गई हैं, तो जो बोतल लेकर आओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता, फेंकनी पड़ती। तो इस बार मैं ये पाउच लेकर आ गई हूँ कि मैं पाउच जो है खोलकर वो 19 शीशियों में भर लूंगी। और ये देखिए ये पाउच यहाँ से आप खोल के दूसरी शीशी में रख भी सकते हो, और नहीं भी ये देखिए ये पूरा यहाँ पर ढक्कन दिया हुआ है, ये देखिए, और ये खुल कैसे हुआ, नींबू पड़े हुए हैं, क्या खुशबू आ रही, नींबू वाली फ्रेग्रेंस है। तो ये लेकर आई हूँ, और ये ओनली 20 रुपीज का है। और अगली मैं लेकर आई हूँ ये बास्केट छोटी छोटी, बताया ना मैंने आपको सब्जियां हैं कुछ रखना, क्या होता है ना जब थोड़ा सा वैसा सामान होता है ना, जैसे थोड़ी सी हरी मिर्च है, टमाटर है, थोड़ा थोड़ा सा जो सामान आता है ना उनके लिए छोटी छोटी डलिया बहुत अच्छी रहती है। तो ये डलिया ऐसी है, देखिये कितनी प्यारी है, कलर कितना प्यारा है इनका, और डिजाइन कितनी प्यारी है। और मेरा किचन का जितना सारा थीम है ना वो सारा पिंक में है। तो ये एक डलिया मुझे पड़ी है 29 की, तो मैंने 1, 2 and 3 बकेट, तो इस तरह मैंने ये 3 ले ली। किचन में नहीं, ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी आप इनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। पता है अरब आता है ना उसमें, उसको कुछ खेलना हो या कुछ खाना हो, उसके बाउल वगैरह मैं इसमें रखकर दे देती हूँ ना, तो वो चलता है ना दौड़ता है, तो उसका सामान उस पर गिरता नहीं है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिया है मैंने किचन एसेंशियल्स का ये तवा लिया है मैंने, इस पे रेट जो है वो मेंशन है 620, और ये मुझे पड़ा है 399 का। तो इस तवे की खासियत ये है कि ये नॉनस्टिक तवा नहीं है फ्रेंड, लेकिन इस तवे की खासियत ये है कि ये तवा जलेगा नहीं, और ये दोनों साइड से एक ही कलर होता है। ये तवा पहले भी मेरे पास था पर खराब हो गया था, और ये जब मैं पहले तवा लेकर आई थी ना फ्रेंड तो ये तवा मुझे 500 का पड़ा था, बट आज ये मुझे 399 का पड़ा। पहला तवा मैंने विशाल से नहीं लिया था, पहला तवा जो है मैंने वो मार्केट से लिया था जब मुझे किसी ने बताया था, बट अब ये 399 का विशाल में है। और अगला प्रोडक्ट फ्रेंड मैं ये लेकर आई हूँ, ये आप देख रहे हो ना इसमें स्पाइसेस रखे हुए हैं, तो ये मसालदान बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ, ये मसालदान है। ये इसको फ्रेंड मैं इसलिए लेकर आई हूँ, जो खड़े वाले मसाले होते हैं ना जैसे कि दालचीनी है, जावित्री है, और बड़ी इलायची है, तेजपत्त है, ये सारी चीजें होती है ना अलग अलग डब्बियों में रखनी पड़ती है, फिर ढूंढना पड़ता है। मैं अब मैं सारे खड़े मसाले इक्वल एक जगह रख दूंगी। और मसाले के अलावा फ्रेंड मैं आपको एक टिप दूं, ये और भी बहुत काम आता है। देखिए ये चिपका हुआ है ना तो आप समझ सकते हो मसाले का, बट मेरे ओल्ड भी जितने खाली हुए ना स्पाइसेस के ये बॉक्स, और जो नए भी लाती हूँ
तो जैसे कई सारे मेहमान आ रहे हो ना, बहुत आपको कई कई जगह लगाना पड़ता है, कितने बॉक्स आप लगाओगे? तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको साफ करके और कई तरह की दाल मोट है या सेम वगैरह है वो सब इक्वल नाश्ता लगा के 4-5 डिब्बे में, मेहमानों का क्या होता है दूर दूर बैठ जाते हैं ना थोड़ी दूर, तो इनको पास करो उनको पास करो उनको पास करो, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन सारे डब्बों में ना स्पेस होता है, उनमें सारा लगा के मैं कम से कम दाल मोट वगैरह तो अच्छे से आ जाती है, दाल मोट से हो भुजिया ऐसा जो छोटा आइटम होता है वो लगा के मैं 4-5 डिब्बे बना देती हूँ ना, तो सबको आराम हो जाती है। तो इस तरह मैं ये लेकर आई हूँ ये बॉक्स। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये टेबल मैट है, और इनका डिजाइन और कलर देखिए आप कितना प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है और डिजाइन इतनी सोबर सिंपल है। ये देखिए कलर आप देखिए, 6 पीसेस हैं ओनली एक पैक में, तो इसका मैं 2 पैक लेकर आई हूँ। ये देखो इसके मैं 2 पैक लेकर आई हूँ, और ये ना ओनली 99 रुपीज का है ये देखिए। और जो ग्रोसरी है ना, जो थोड़ा सा किचन का वगैरह, वो रिफाइंड वगैरह और कच्ची घानी वगैरह चीनी वगैरह वो सारा एक जो है उसमें बैग में पैक रखा, वो मेरी हिम्मत नहीं है, बड़ा बड़ा पैक है कि मैं उसको निकाल कर आपको दिखाऊं। बट और अगला फ्रेंड मैं ये लेकर आई हूँ रक्स, और ये इस साइज में है देखिए, मैं लेकर आई हूँ 1, दूसरा है ये 2, ये लिया मैंने 3, ये हो गया 3, पास से देखिए कलर वगैरह, और ये लिया 4, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा ठीक ना। अब ये 4 मैं क्यों लेकर आई हूँ, बहुत ही रीजनेबल रेट पर है। जी हाँ, ये एक जो है ना वो ओनली 20 रुपीज का, तो 4 हो गए तो 80 रुपए के हो गए, केवल 80 रुपए में ये 4 रक्स मुझे मिल गए। और अब इनका इस्तेमाल क्या है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है तो उतनी ज्यादा लो भी नहीं, और अगर जो इस्तेमाल करना है मुझे अलग वे में इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब सर्दी आ रही है ना, तो जैसे क्या होता है आरव आ जाता है, बैठकर खेलने लग जाता है जमीन पर कभी कभी खिलौना लेकर, तो ये छोटू सा ना उसके भर का काफी है, उसको दे दिया वो डाल के बैठ गया। फिर हम पूजा करने बैठ जाते हैं कभी कभी ना, चौकी से नीचे बैठ जाते हैं, माला वगैरह करनी होती है, या और कई लोग बैठ गए तो फर्श पे कभी भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आजकल मेरे जो है वो पूजा की आसनी जो है वो खराब हो चली थी, तो मुझे वो भी अच्छा लगा क्योंकि ठंडक है ना, और ये क्लॉथ जो है ना, इसका जो क्लॉथ लगा हुआ है ना इसमें, ये गर्माहट देगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो लॉजिक था इनको लाने का, जो मेरा सबसे बड़ा काम था, वो मैं यही सोच कर लेके आई थी कि मैं इनको पूजा के लिए इस्तेमाल करूंगी। इतने ज्यादा सॉफ्ट है, इतने ज्यादा सॉफ्ट है, और आप इनको देखिए ये कलर इतना प्यारा है। अगर आप जैसे कॉर्नर वगैरह पे स्टूल वगैरह रखते हो कुछ भी, तो उसके ऊपर कोई जैसे फेक प्लांट वगैरह रख रहे हो या टेडी वगैरह बिठा रहे हो ना, तो उस पर भी आप डाल दोगे ना, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा उसका। फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग, और ग्रोसरी आइटम मैंने खोले नहीं है, 2-3 चीजें और किचन की हैं जो उसमें सील हैं। असल में भैया ने गत्ते में रख के उसको अच्छे से सील कर दिया, जो कि हस्बैंड ने भी खोलने नहीं दिया, बोले नई दिन में खोलना तब फैलाना। तो कैसी लगी आपको शॉपिंग, और रेट कैसे लगे, और आप लोगों ने भी खरीदारी शुरू कर दी है तो आप लोग भी क्या क्या खरीद रहे हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और कौन सा सामान जो इसमें लिया है मैंने वो आपको सबसे अच्छा लगा और बिल्कुल सही लगा है, वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो अगर अच्छा लगा है ब्लॉग तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो भी शॉपिंग चल रही है, शॉपिंग के ब्लॉग आते रहेंगे अब लगातार। तो और जो मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।